कड़कनाथ के नागौर में लड़की की खुदकुशी के बाद आटा साटा पर छिड़ी बहस। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में इससे भी ज्यादा खतरनाक कुप्रथा है झगड़ा प्रथा। इसमें लड़की और उसके परिवार को अपमान तो सहना पड़ता ही है, लड़के वालों को भी मोटी रकम चुकानी पड़ती है। समाज की पंचायत रकम वसूली के लिए लड़के वालों को आम जन तक की देती है छूट। कहने का खास कार्यक्रम जो है सो है मेरे यानी काजल वर्मा के साथ, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पुराने विषय पर। हमने एक नारा, एक बहुत ही प्रख्यात नारा है जो हिंदुस्तान में हम आए दिन सुनते रहते थे, अभी तो कई टाइम से हमने सुना नहीं है, कि इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं पर हमेशा से अत्याचार होता आया है। नहीं सुनने का रीज़न ये, कई समय से हमने ये इसलिए नहीं सुना है, हम आगे बढ़ रहे हैं, सोच आगे बढ़ रही है, नई जनरेशन आ रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी 15 दिन पहले की एक खबर है कि एक लड़की ने 15 दिन पहले आत्महत्या कर ली एक कुप्रथा के चलते। राजस्थान की एक कुप्रथा है आटा साटा कुप्रथा। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि आटा साटा कुप्रथा होती क्या है। इसमें एक शॉर्ट टर्म में मैं आपको समझाऊं तो आटा साटा कुप्रथा का मतलब होता है कि आप बेटी देकर या फिर बहू लेकर बेटी बेच रहे हो, बेटी का सौदा कर रहे हो, इसे बोलते हैं आटा साटा कुप्रथा। ये एक ग्रामीण इलाकों में हम ज़्यादातर सुनते आए हैं इस प्रथा के बारे में। यहाँ पर इंदौर में इतनी ज़्यादा शायद लोगों को पता ना हो, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि बाल विवाह और ये कुप्रथाएं जो चल रही है उसके बारे में उनका क्या कहना है। उसी के साथ ही मध्य प्रदेश में इससे भी ज़्यादा एक क्रूर कुप्रथा है जिसका नाम है झगड़ा कुप्रथा, उसके बारे में कई लोग जानते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जो बच्ची है उससे मतलब जो जो चाहती है वो तो हो नहीं रहा, मदर फादर ने आटा साटा कर दिया, मतलब कि मेरी बेटी आपके यहाँ रही थी, आपकी बेटी मेरे यहाँ आई थी, बच्चों की जो चाहिए थी ना, मतलब स्वाधीनता चाहिए, मतलब ये उनकी स्वतंत्रता चाहिए, वो छिन जाती है। जी बिल्कुल, ये होना नहीं चाहिए। इसके साथ ही अगर मतलब ऐसा भी सुना गया है कि अगर लड़की मना कर देती है या फिर लड़का भी मना कर देता है, दोनों ही परिस्थितियों में लड़की वालों को परेशानी होती है क्योंकि लड़की वालों को हर्जाना भरना पड़ता है। बराबर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये थी, लड़की जब आज पढ़े लिखा पर मतलब पढ़े लिखे आगे बढ़ रही है तो उस तो उसकी मतलब उसके जो विचार है उसको मानना चाहिए, और इसमें ये होना ही नहीं चाहिए। ये ग्रामीण क्षेत्र में भी अब बच्चे तो पढ़ा लिखा थे, मतलब इस टाइप की विचारधारा तो चेंज करना चाहिए। इस विचारधारा के खिलाफ आप जागरूक करने के लिए लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे ये प्रथा सही नहीं है। ठीक है, अभी लड़कियों की कमी है, लिंगानुपात कम होता जा रहा है, पर इसके बाद ही अपने तो बच्चे तो ही मतलब जो उनकी मनस्थिति तो समझते हुए और वो जो चाहती है उसको आगे करना चाहिए और बच्चे तो पढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये प्रथा नहीं होनी चाहिए, आटा साटा वाली प्रथा नहीं होनी चाहिए और बाल विवाह नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति की एज शादी लायक जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके 18 ईयर्स और 21 ईयर्स उसके बाद ही उनकी मैरिज होनी चाहिए और आपसी सहमति से होनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो नहीं होना चाहिए कि भाई ये भी क्या आटा साटा करा है, वो तो ठीक है, पर जो आग लगाने की वो तो अब ख़त्म ही, एक तरह से वो प्रथा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब इस टाइम हो रही है तो गलत है ना। ये 21st सेंचुरी है, हाँ, इसमें नहीं होना चाहिए ये चीज़ें, तो वो तो गलत चीज़ है, उसको तो नहीं देना चाहिए बढ़ावा, गलत चीज़ है। जैसे कि हम हर जगह ये नारे सुनते आए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बावजूद हमें ये चीज़ें सुनने को मिलती है, तो आज की जनरेशन में आप लोगों को कैसा लगता है? मुझे तो बहुत बुरा लगता है, एक्चुअली आजकल भी वो प्रथा चल रही है तो बहुत ही गलत है, पर फिर भी अपने देश में अभी बहुत सुधार हुआ है, थोड़ा और करने की ज़रूरत है, पर बहुत लोग इतने पढ़े लिखे लोगों को जब मैं ऐसा सुनती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली पढ़े लिखे लोग जब इस तरह का करेंगे, दहेज प्रथा से जलाना ये सब करना, ये बहुत गंदा लगता है। मैंने सुना है बहुत एजुकेटेड फैमिली में ये सब देखा मैंने, मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि मतलब इतना उस लेडीज़ को इतना तड़फाया जाता है कि लास्ट में वो आखिरी कदम अपना जला के या मर के या जहर खा के अपना जीवन अंत कर देती है, सुसाइड कर लेती है। ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है बहू को भी बेटी बना के रखोगे तो बहू आपकी हो जाएगी अंत तक, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन ये गलत है। बहू को आप बेटी बनाना चाहोगे तो बेटी बनेगी। एक्चुअली स्टार्टिंग में कोई बहू दूसरे घर से आती है, बेटी आपकी बेटी नहीं बन सकती, पर आपको प्रयत्न करना पड़ेगा कि मैं उसको अपनी बेटी बनाऊं। ये मेरी दीदी इसका उदाहरण है, इनकी बहू को आप बहू नहीं कहोगे, बेटी ही बोलोगे। ये बाहर जाती है बोलते हैं लोग कि ये मेरी ये आपकी बेटी है क्या, पर उनको बनाया, उनको बनाने में 3 साल लगा, क्योंकि अपनी माँ का घर छोड़ के आती, कोई दूसरी
सास को माँ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पहले सास को त्याग करना पड़ेगा फिर बेटी। बिल्कुल, इसलिए मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा आप अपने को भी झुकना होगा, थोड़ा उसको झुकना होगा और ये सब खत्म करना होगा। लेकिन हम लोगों पे शुरू में हुआ है तो हम लोग सोचते हैं कि अपन वो चीज़ ना करें जो अपने अपने साथ हुई है, इसलिए हमने भी मतलब बहुत प्रेम से उनको रखा है, तो आज वो हम लोगों को बिल्कुल अपनी माँ जैसी मानती है। बिल्कुल, वो ना वो अपनी माँ के अभी कम ही जाती है घर पे, मेरे को मम्मी मम्मी होना चाहिए जहाँ तक ये खत्म हो, इसके लिए एक्शन भी लेना चाहिए। जी बिल्कुल, एक्शन लेना चाहिए क्योंकि हम जगह जगह नारे पढ़ते रहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ा भी लिया बेटी को बचा भी लिया, लेकिन उसके बाद उसे ससुराल भेजकर आपने क्या किया? ये जो आपकी मानसिकता है इसे आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये जो गलत मानसिकता है, जो गलत प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, इन्हें आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसी तरह देखते रहिए KNN News का खास कार्यक्रम जो है सो है, मेरे यानी कि काजल वर्मा के साथ।